तो गाइस कैसा लगा तुम्हें मंदिर? तो गाइस कैसा लग रहा तुम्हें हवा महल? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस आज हम जाने वाले हैं भारत दर्शन पार्क। गाइस टूर बड़ा ही फंटेस्टिक होने वाला है। मैंने भी उस जगह के बारे में सोचा है तो मैं भी बड़ा खुश हुआ हूँ कि पूरे भारत की चीजें वहां पर हैं और वो भी बेस्ट चीजों से बनी हुई है। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहें और चलते हैं अब गाइस, घर से निकलते हैं, मिलते हैं आपसे मेट्रो के स्टेशन पर। और गाइस वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और गाइस बढ़ते हैं, आओ। गाइस ये हमारा मेट्रो, वेलकम मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हम सीधा रेड लाइन से जाएंगे और तुम्हारा नेहरू प्लेस उतरेंगे NSP, फिर वहीं से जाकर चेंज कर लिया। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। सो हमारा यहाँ पर लास्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा पंजाबी बाग वेस्ट। अब चलते हैं गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। एंट्री कर चुके हैं, ये हमारा गेट है, यहाँ से हमने अंदर आए हैं हम यहाँ से। और हमारा टिकट प्राइस है 100, सबसे जैन में ना। अगर आप 5 बजे के बाद आते हो तो आपके 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, 150 हो जाएगा। और गाइस काफ़ी अच्छा है, और अंदर चल कर दिखाते हैं तुम्हें। और हाँ, इसके हम रूल बता दें तुम्हें, इसमें कैमरा अलाउ नहीं है और खाने पीने की चीज़ नहीं ला सकते। और अंदर चल कर दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। आओ गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमारा पहले घुसते के साथ ही गेट ऑफ इंडिया, ये सारे गेट ऑफ इंडिया है गाइज ये। अब इसके आगे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ये पेड़ बना रखा है, जो कि वेस्ट चीज़ों से, जो है सिलेंडर वगैरह और जो भी हैं, आपको दिखाते हैं। आओ करीब से थोड़ा। तो गाइज अब ले चलते हैं हम तुम्हें हवा महल की तरफ, जो कि जयपुर का काफ़ी ज़्यादा आलीशान है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जैन महल। तो गाइस कैसा लग रहा है तुम्हें हवा महल? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखते हैं क्या होता है। आओ गाइस। सो गाइस देख सकते हो ये हमारा गोल गुंबज। हमें क्या दिख रहा है वहाँ पर? कुतुब मीनार है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बढ़ते हैं, ये तो हमें बेस्ट वंडर में भी मिला था, जो कि आप मेरा मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ का भी ब्लॉग देख सकते हो। बढ़ते हैं अगली तरफ, आपको दिखाते हैं पास से। आओ। तो गाइस देख सकते हो आपको ये कुतुब मीनार देखने को मिल रहा है। गाइस इतना तो टाइम है नहीं कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, बाकी पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है जो मैं बता रहा हूं, और इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास कि मैं पढ़ के बता सकूं। और चलते हैं हम अगली लोकेशन की तरफ। तो गाइस कैसा लगा तुम्हें कुतुब मीनार? और आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा है हमें पहाड़ सा है। अभी मुझे पता नहीं है खुद को यार ये चीज़ क्या है, अब आओ तो आगे चल के ही पता चलेगा, उसके पास जाके पता चलेगा। ज्ञान का प्राचीन केंद्र नालंदा। तो गाइस देख सकते हो ये है नालंदा, जो कि हमने तुम्हें पढ़वाया भी है और दिखवाया भी है। तो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में बताओ। दरअसल अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे देखने को मिलने वाला है आपको सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर। तो मंदिर देखने को मिलेगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता कौन सा मंदिर है क्या है, वो तो हमें वहाँ चलकर ही पता चलेगा। आओ गाइस बढ़ते हैं हम मंदिर की तरफ। आओ, मंदिर के दर्शन करने से पहले यहाँ पर हम घंटा बजा लेते हैं। खतरनाक आवाज़ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर पूरे में शोर हो चुका है। तो गाइस देख सकते हो मंदिर, आप दर्शन कर सकते हो। तो गाइस इस मंदिर का नाम बता रहे हैं हम तुम्हें, इस मंदिर का नाम है मीनाक्षी मंदिर। तो गाइस कैसा लगा तुम्हें मंदिर, जल्दी से कमेंट बताओ। भाई मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा है भाई, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पर आकर। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब इसमें आपको छोटी वीडियो में देंगे, छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करेंगे और सारी इसकी जानकारी देंगे। अब बढ़ते हैं गाइस आगे की तरफ। तो गाइस अब तुम्हें एक जेन्युइन बात बताने वाला हूँ। आपने बद्रीनाथ मंदिर मतलब काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, उसके काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है वो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है उसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी हम उससे मन्नत मांगते हैं पूरी होती है। तो गाइस हमें वहाँ पर तो जाने का मौका नहीं मिला, पर हमें ये बद्रीनाथ मंदिर यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस आपको इसके दर्शन कराते हैं, आओ चल कर आइए गाइस।
गाइस देख सकते हो आप पीछे अपने बद्रीनाथ मंदिर का जो सामने का फेस है वो दिखाया जा रहा है यहाँ पर। आओ गाइस देख सकते हैं, देख सकते हो गाइस आप, ये भी मटेरियल से बना रखा है जो वेस्ट मटेरियल है, और इसमें घंटा भी लगा रखा है जो कि वो भी वेस्ट है, पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना रखा है। और इसमें से एक आवाज़ सी आ रही है जो कि आपको सुनने को मिलता है, हम सुनाते हैं अभी, थोड़ा शांत होकर ध्यान से सुनना। मतलब कि सेम वैसी फीलिंग आ रही है जो कि वहाँ पर आती होगी, सेम इन्होंने चीज़ हर चीज़ में ऐसी बना रखा है। ये है हमारा इसका बद्रीनाथ मंदिर का बोर्ड जो कि हमारा ऐसा पाया जाता है वहाँ पर, सेम ये चीज़ देखने को मिलती है, और जो कि हमारी दिल्ली में सेम ऐसा ही बना रखा है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर हमें द्वारकाधीश मंदिर देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और ये हमारे श्री कृष्ण कान्हा जी का है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस। बताओ यार कमेंट में कैसा लग रहा है आपको भी, वाह। और यहाँ पर एक आवाज़ भी सुनने को मिल रही है, आप भी सुन सकते हो यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये आवाज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है इस आवाज़ से, सुन सकते हो आप। ऐसी आवाज़ आ रही है आपको सुनने को मिल रहा है। इस मंदिर के बाद हमारा दूसरा मंदिर जो आने वाला है वो है रामेश्वरम मंदिर, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस चलते हैं उस मंदिर की तरफ, आओ गाइस बढ़ते हैं आगे। गाइस कैसा लगा आपको, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बढ़ते हैं अगली तरफ, आगे वाला मंदिर पता नहीं कौन सा होने वाला है, मुझे भी नहीं पता। गाइस देख सकते हो ये है हमारा जगत नाथ मंदिर, कैसा लगा है आपको, ये उड़ीसा में पाया जाता है और हमें यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली में आपको कितने सारे मंदिरों के दर्शन कराए मैंने, जल्द से जल्द बताओ यार, कमेंट करो यार। और गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है यहाँ पर। सो भाइयों यहाँ पर बैठने की भी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, और चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है, और यहाँ पर बैठ कर बढ़िया फील ले सकते हो आप। और देख सकते हो ये गाइस लाल किले के अंदर कैंटीन बना रखी है जो कि बड़ी जेन्युइन है। ये देखो सामने आकाश चाय पी रहा, कैसी लगी भाई चाय, बेकार भाई बेकार है, अगर यहाँ तो चाय नहीं मत पीना। अच्छी है भाई, और कुछ बाकी जो खाना खाएगा बस चाय मत पीना। अगर तूने चाय पिया इसलिए तो चाय बेकार लग रही है। देख सकते हो गाइस काफ़ी बढ़िया बना रखा है यहाँ पर। इसके चलते हैं मेन्यू कार्ड की तरफ, ये इसका मेन्यू कार्ड है, पढ़ सकते हो। तो गाइस ये है आपका विक्टोरिया पैलेस, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो भाइयों ये रथ तो मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जो बाहुबली में शुरू में स्टार्टिंग में वो अपने हाथ से रोकता है, तो आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है, जरा कमेंट में बताओ गाइस मुझे अभी। तो भाई साहब हम तुम्हें दिखाने वाले हैं एक जो आगरा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो जगह ही फेमस है भाई आगरा की, और वो महल भी फेमस है जो हम तुम्हें बताने वाले हैं, वो है ताजमहल। तो देख सकते हो भाई अभी हम तुम्हें उसके पास चलकर दिखाते हैं, आप इस जगह बैठकर ताजमहल का आनंद भी ले सकते हो, भरपूर आनंद। गाइस ये है आपका मैसूर पैलेस, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी मतलब अब जो भी है वेस्ट चीज़ों से बना हुआ है, अब क्या दिखाऊं यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर आओगे कभी तो आप देख लेना किस किस चीज़ से बना हुआ है। अब चलते हैं आपको अगली चीज़ दिखाते हैं वो क्या होने वाली है। तो गाइस देख सकते हो ये पीछे से आप पूरा, ये है आपका चार मीनार।
आज ये देख सकते हो, ये है हमारा कोणार्क मंदिर, सूर्य देव का मंदिर है ये। तो गाइस ये देख सकते हो तुम, ये है हमारा खजुराहो मंदिर। तो गाइस यहाँ पर पार्क का एंड हो जाता है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस पूरे में घूमे हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ। और गाइस आप भी यहाँ पर फैमिली के साथ आओगे या फिर बच्चों को लेकर आओगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे गाइस। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आओ और इन्जॉय करो यार, जैसे मैंने इन्जॉय करे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मैंने आपको पूरा लगभग बहुत बड़ा आया, पूरा दिल लग गया है हमें जो है ना, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस मिलते हैं हम तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।